हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी नगमा ने 90 के दशक में कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। नगमा का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। उनका असली नाम नंदिता मुरारी जी है। नगमा के पिता अरविंद प्रताप सिंह मुरारी जी बड़े बिजनेसमैन थे। नगमा की माँ ने ही उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रोत्साहित किया। नगमा बताती है, मेरी माँ कई सालों तक फिल्म सेट पर मेरे साथ रहती थी। नगमा ने 1990 की सलमान खान के साथ फिल्म बागी से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म हिट रही थी, साथ ही सलमान और नगमा की जोड़ी भी खूब पसंद की गई। उस समय वह महज 16 साल की थी। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सुहाग फिल्म की। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नगमा का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें शुरुआती सफलता मिली। हालांकि इसके बाद अपनी सहेली दिव्या भारती के कहने पर उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 44 साल की नगमा ने शादी नहीं की है। नगमा ने तमिल, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, बंगाली फिल्मों में अभिनय किया और बाद में एक्टिंग छोड़ राजनीति में आ गई। नगमा को कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जाता है। नगमा ने इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने का दावा किया था। हालांकि दोबारा मोदी सरकार बनी।